भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नल कोठियाल पहुंचे गुंजी। सीमांत गुंजी में गुंजी के लोगों ने किया उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रम दानू ने आज मुंशारी में 5,000 पोस्ट कार्ड लॉन्च करवाए हैं और उन्होंने सभी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर युक्त राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने जाने के विरोध में आज प्रधानमंत्री को व राष्ट्रपति को ये 5,000 पोस्ट कार्ड भेजने का निर्णय लिया है। विक्रम सिंह दानू डीडीआर जिले के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन्होंने यूथ कांग्रेस के युवकों के साथ मुंशारी में उक्त कार्यक्रम को आज किया और 5,000 पोस्ट कार्ड वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे। वर्तमान भाजपा सरकार में संविधान एवं लोकतंत्र खतरे की जद में है, इसलिए आज मुंशारी में यूथ कांग्रेस के द्वारा पोस्ट कार्ड लॉन्च किया गया जिसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और हमारे द्वारा पोस्ट कार्ड लॉन्च किया गया है कि यूथ कांग्रेस डीडीहाट और मुंशारी के द्वारा 5,000 पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। धारचूला के एलदारा में फिर से शुरू हुआ काम। बहुप्रतीक्षित एलदारा में आज काम शुरू हो चुका है और अरुण कस्टर्जन कंपनी के द्वारा अपर स्ट्रीम में दिवेश शासनी संयुक्त मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार आज से काम शुरू कर दिया गया है। कार्यस्थल पर मशीन लगाकर मलबे को डंपिंग जोन में भेजा जा रहा है। आज सिंचाई विभाग के एक्शन फरहान खान भी व जेई व अन्य समाजसेवी लक्ष्मी गुंजाल, अरुण कस्टर्जन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर इंद्रजीत शर्मा व उनके साथ पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। परंतु स्थिति यह है कि हमने जब स्थिति को देखा तो बड़ी खतरनाक स्थिति पूर्व से ज़्यादा हो चुकी है, परंतु अरुण कस्टर्जन कंपनी के द्वारा भी डंपरों के माध्यम से उक्त सामग्री को डंपिंग जोन में यानी जो मलबा पूर्व में आया था उसको डंपिंग जोन में भेजा जा रहा है। अधीक्षण अभियंता फरहान खान के द्वारा काफ़ी दिशा निर्देशित किए गए हैं और साथ ही अरुण कस्टर्जन कंपनी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम 2 माह में एलदारा को नया रूप देने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक नगरी जौलजीबी में आज व्यापारिक मेला स्थल व काली गोरी नदी के संगम तटों पर चलाया गया नमामि गंगे स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान में आज उक्त स्थल यानी ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक व व्यापारिक मेला स्थल जौलजीबी काली गोरी नदी के संगम तटों पर दांतूखेड़ा गांव का भ्रमण कर नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान उप जिलाधिकारी दिवेश शासनी, डीएफओ पिथौरागढ़ जीवन मोहन दगाड़े, व्यापार संघ अध्यक्ष धीरेन्द्र रंधत्तू, ग्राम प्रधान जौलजीबी पुष्पा धर्मसत्तू, दातु प्रधान वन विभाग के कर्मचारियों, एसएसबी के सहायक कमांडेंट तथा कोतवाल अशोक कुमार, साथ ही लीला बंग्याल व स्थानीय जिला पंचायत सदस्य गंगोत्री दताल, शकुंतला दताल, कविता मेहरा, पूर्व प्रधान कमला चंद, जानकी बुरफाल, लीला बंग्याल, धीरेन्द्र धर्मदत्तू, शंकर दत्त भट्ट, ब्रजमोहन बिष्ट, सुशील कुमार यादव, भुवन सिंह रेगी, राजकीय इंटर कॉलेज जौलजीबी के एनसीसी के बालक बालिकाएं सभी ने प्रतिभाग किया। साथ ही धारचूला के नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों ने भी पूर्ण रूप से सहयोग दिया। पुलिस, एसएसबी व सेना प्रशासन, राजस्व, स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर नमामि गंगे का उक्त कार्यक्रम आज जौलजीबी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और पूरी नदी तट को स्वच्छता के अभियान के तहत पूर्ण रूप से स्वच्छ करने का प्रयास किया गया, जिसमें आज समस्त जौलजीबी के नागरिक, जौलजीबी की जनता, व्यापार संघ के लोग, थाने के लोग, राजस्व के लोग या यूं कहें कि पूरा जौलजीबी आज उमड़ा पड़ा था। ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक नगरी जौलजीबी के नदी के तट पर सफाई अभियान में संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नमामि गंगे ये भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इसमें जितने भी नदी नाले हैं उनको साफ करना है और गंगा एक माँ है, माँ को सफाई करना हम सभी का कर्तव्य है। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत नमामि गंगे सफाई अभियान के तहत ये प्रशासन द्वारा
पहल किया गया है, इसमें पूरे क्षेत्र में नहीं पूरे देश में सफाई अभियान चल रहा है। प्रथम में ये 2014 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ, आज जौलजीवी संगम स्तर पर ये सफाई अभियान चल रहा है। इसमें हम सभी का लक्ष्य है कि गंगा को सफाई करेंगे और हम सभी प्रण लेंगे, आज शपथ लेंगे कि गंगा में एक सुरक्षा के लिए सभी तत्पर रहेंगे और सफाई अभियान किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और वन विभाग और पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा भागीदारी, साथ ही हमारे स्थानीय महिलाओं का भी भागीदारी है। गर्ग एंड गर्ग कंपनी के कार्यस्थल में कल दबे टिप्पर का आज भी रेस्क्यू नहीं हो पाया है। रेस्क्यू अभियान सुचारू रूप से चल रहा है, परंतु कहीं मलबे में व्यक्ति दबा है या नहीं, इसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। लगातार कोशिशें जारी है। धारचूला के जनप्रतिनिधियों ने आज सिंचाई विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। तटबंध स्थल के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के समीप सीढ़ियां बनाने व कॉन्क्रीटिंग से वहां पर पैराफिट बनाने की बात भी कही गई। उसके उपरांत फरहान खान ने ठेकेदार को आदेश दिया कि आप यहां पर 1.5 मीटर के पैराफिट नदी में बनाएं और सीढ़ियों का निर्माण भी तत्काल करा दें। लिखित देने की बात ठेकेदार के द्वारा कही गई है। और उसके उपरांत गौशाला के समीप जो शवदाह गृह यानी कि जो शवों को जलाया जाता है नदी किनारे में, वहां के मार्ग में कहीं पर भी सीढ़ियां नहीं छोड़ा जाना चिंताजनक बताया गया। महिला सिंह गर्बियाल व व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने फरहान अहमद सिंचाई विभाग के साथ काफ़ी तीखी नोकझोंक भी की और व्यापार संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सीढ़ियां जल्द नहीं बनाई जाएंगी तो हम जन आंदोलन करेंगे और लोगों के लेके धरना प्रदर्शन सिंचाई विभाग के खिलाफ धारचूला में करेंगे। हमारा हो गया मेन गंगा दर्शन और जो है गंगा धाम के लिए। अब मेन पॉइंट आता है शमशान अंत्येष्टि के जाने वाला गौशाला के पास। नहीं नहीं वहाँ नहीं है सर, हमारा तो वहाँ नहीं है सर। पारंपरिक जो है पारंपरिक वाटरवे भी कम होगा, नेपाल वाले भी। अरे नहीं नहीं वहाँ नहीं करते, उससे मतलब नहीं, हमारे पूछते नहीं। वो है वो आज से थोड़ी ये जो है नीचे इसमें थोड़ा सा ब्लॉक डालते हुए सीसी में जितना हो सकता है पीछे आ जाएगा सीढ़ियों का, उससे मिलाया जाए क्या करना चाहिए व्यापार संघ वगैरह यहाँ पे पहुंचाई बनाई जाएगी और इसको जो है कंक्रीट के ब्लॉक से फिल करके ये रोड जो चौकी के पास है ना नेपाल पुल के चौकी से उसे मिला दिया जाएगा पीछे, मतलब ये कनेक्ट कर दिया जाएगा। साथ में जो ये नीचे कंक्रीट छूटी हुई है इसके ऊपर पैराफिट बना के आगे बढ़ाया जाएगा। उसी में सीसी की वो तो फिल्डी बन जाएगी और जो इसको रास्ते को थ्रू कर दिया जाएगा। तो सर कब तक ठेकेदार के द्वारा आराम कर दिया जाएगा ये कार्य? कल से कर हो जाएगा, थोड़ा मौसम खराब है कल से। हाँ, आपका भी एंड है अब तो, आप कब तक शुरू कर देंगे आदेश को लेकर? जैसे ही हमें लिखित आदेश मिल जाते हैं विभाग की तरफ से हम उसको तत्काल प्रभावित शुरू करते हैं। आज तो अभी तो अंत्येष्टि के लिए आपके इस रास्ते के सहारे से लोग जा रहे हैं, आप वर्क करने के बाद ये मलबे हटा देंगे तो आदमी कैसे जाएगा? हमारा क्वेश्चन ये है, अगर आज तो शुरू नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद कैसे पूरा होगा? जितना हम लोगों ने भैया पार वाले काम शुरू किया उतने परेशान और विभाग को भी और ठेकेदार को भी हम करेंगे, अब व्यक्तिगत में आ जाएंगे सर। नहीं और ये चीज है, ये तो सार्वजनिक काम है, जगह एक ये होगा एक गौशाला के पास, नीचे वाला डेथ सब भी होगी। हमको अभी स्टेडियम वाला भी नीचे यही आ रहा है, अभी स्टेडियम वाला भी हमारा जवान नहीं है वो। सुनो सुनो दीजिए साहब, दो जगह घाट शमशान घाट शमशान बजट आएगा तभी बनेगा उसका। नहीं नहीं घाट नहीं कह रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं। साइड वाली वाल के 8 फीट।
देखिए अभी एक्शन साहब भी आए हैं और हमारे जे साहब भी आए हैं और पीएम साहब भी आए हैं प्रोजेक्ट मैनेजर साहब। जब तक हमारी ये सीढ़ी नहीं बनेगी तो हम ऊपर वाला कार्य जो है अभी भरने नहीं देंगे। हम लोगों ने इनसे कह दिया है और जब तक हमारे दो सीढ़ी चाहिए हमको, क्योंकि कल जो है गंगादान में है और अंत्येष्टि में है, कई जगह हमको आवश्यकता है, इसलिए जो है एक्शन साहब आए हैं और ये दो सीढ़ी बनेंगे तब ऊपर का कार्य भी हो जाएगा। कल लिखित कार्य भी हम एसडीएम साहब से करवाएंगे। संवेदनशील घटदार क्षेत्र के कार्य में कॉन्क्रीटिंग का कार्य जो अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा चल रहा है, उसका भी आज व्यापार संघ अध्यक्ष व संयुक्त लोगों ने निरीक्षण किया। पूरी टीम के साथ व्यापार संघ अध्यक्ष ने आज उक्त स्थल का निरीक्षण किया। साथ में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता जेई और एई, साथ में अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर इत्यादि उसमें उपस्थित रहे। काफ़ी जद्दोजहद मशक्कत के बाद, वार्तालाप के बाद यह निर्णय निकला है कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही जो कॉन्क्रीटिंग की जा रही है उसके मानक पूरे किए जाएंगे और सिंचाई विभाग की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि कॉन्क्रीटिंग के कार्य में कोई भी फेलियर ना हो, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है और पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा है। उस पानी को डिवाटरिंग करने के उपरांत ही कॉन्क्रीट डालने की बात हुई है और कॉन्क्रीटिंग का जो प्लांट मशीनों के द्वारा किया जा रहा है और केमिकल को तत्काल मिला के कॉन्क्रीट की जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं शक और शुभ की बात चल रही थी, परंतु प्रशासनिक स्तर पर लोगों ने वो चीज़ को देखा और जाना, टेक्निकल बातें हुई, उसके बाद सिंचाई विभाग के अपने अभियंता ने जिम्मेदारी ली है कि इस कार्य को सिंचाई विभाग के जेईई के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसको देख सकते हैं और कार्यस्थल पर कार्य की गुणवत्ता बनाई जाएगी। दो सीढ़ियों का तो जो है ये प्रस्ताव दे देंगे हमें, तो प्रस्ताव आने के बाद जो है हम उसकी एक दो दिन में ड्राइंग बना के उसमें काम शुरू करवा देंगे। और बाकी रहा नाले का, तो नाले के पीछे से हमारी आरसीसी वाल ऐसे मुड़ जाएगी कर्म में और उसके जो बीच में गैप रहेगा उसमें सीसी ब्लॉक डाल देंगे। और बाकी जो है इधर भी हमारा अगर ये हुआ तो इसमें भी ब्लॉक डाल सकते हैं, घटगार्ड ना ले जाए ताकि उधर से पानी आए तो थोड़ा ऊपर तक ना चले। तो आप संतुष्टि तो है ही, हम थोड़ा सा अंदर भी आए हैं क्योंकि नेपाल साइड में दीवारें उन्होंने आगे कर दी तो सारा प्रेशर इंडिया की साइड है, तो हमने थोड़ा सा पुरानी दीवार से भी थोड़ा अंदर ले जा रहे हैं ताकि इसका वाटर वे जो है नदी का जो है बढ़ जाए और पानी की ऊँचाई ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम अगर अति नदी का अतिक्रमण करते हैं तो हमारे साइड में भी मतलब क्षति होने का वो रहा है, चाह रहे हैं कि थोड़ा अंदर हो। आज ये आप स्थल पर खड़े हैं, आज जो कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता महोदय तथा ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर भी साइट पर आए और यहाँ पर जो स्थिति देखी कार्य की वो संतोषजनक था। और आपसे यही मांग था कि जो शमशान घाट के लिए मेन जो है वाल से नीचे उतरने के लिए दीवार की थी, तो इसकी संस्तुति जो है आपने एक ठेकेदार को कार्यस्थल पर दे दिया है और हमें विश्वास है कि यह कार्य जल्दी जो आरंभ हो जाए। क्वालिटी संतोषजनक है, कार्य भी प्रगति पर है, मगर नेपाल के द्वारा जो है समय पर सहयोग नहीं मिलने से कुछ कार्य करने में जो है विभाग को और कंपनी को जो है परेशानी दिक्कतें पैदा हुई, मगर अभी जो है अब स्थिति यह है कि अप्रैल अंत माह तक जो हम मुख्य गढ़दार से के माध्यम से जो धारचूला को बचाने के लिए जो अभियान जन जागरूक ने छेड़ा था उस अभियान में हम जो है सफल होते पा रहे हैं, इसके लिए कार्यदायी संस्था को भी और ठेकेदार को भी हम धन्यवाद देते हैं। मगर जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, जो छोटी छोटी जनता की मांग है, उसमें भी जो है आप ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे, यही हमारे आपसे आशा है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL News।